केहर सिंह सतवंत सिंह झट फांसी ला दिते, कातल सिखां दे तू आप छुड़ा दिते, अहुदे बख्शे टाइटल जिहे गदारां लई, क्यों दिलिए तेरी फांसी कल्यां सरदारां लई, क्यों दिलिए तेरी फांसी कल्यां सरदारां लई। सिख चैनल वेख रही सब संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के आप सब जी नूं पता है कि असी हर वार आप जी दे रूबरू करवाने हाँ किसी पंथक शख्सीयत नूं जां जो उस शहीद परिवारां दे मैंबरां नूं जिन्हां नूं कि अज कौम दे वल्लों थोड़ा जिहा अखों परोखे किया जा रहा है। सो अज मैं गलबात करांगा जदों के नवंबर 1984 जो कि 31 अक्तूबर नूं इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नूं जदों सोधिया गया भाई सतवंत सिंह बेअंत सिंह उस दे नाल ही एक नाम आउंदा है शहीद भाई केहर सिंह। सो अज गलबात करांगे शहीद भाई केहर सिंह जी दे परिवार दे नाल। सो जाणांगे किस तरह उन्हां नूं की सहूलतां ते उस तो फांसी तो बाद जिन्हां नूं के 6 जनवरी 1999 दे विच भाई सतवंत सिंह ते भाई केहर सिंह जी नूं फांसी ला दित्ती सी। सो उन्हां भाई केहर सिंह जी दे वड्डे बेटे साढ़े नाल मौजूद हन सरदार रजिंदर सिंह जी। सो उन्हां दे नाल गलबात करांगे जी। सब तो पहलां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो सब तो पहलां मैं आप जी दे कोलों पुछना चाहुंदा हां कि आप जी दा पिंड केड़ा है, आप जी दे पिता जी दा, सो किस तरह उह इत्थों तक पहुंचे जिस तरह कि उन्हां नूं सज़ा मिली। साडा पिंड फतेहगढ़ साहब जिले विच मुस्तफाबाद है, ये बसी पठाना थाना दे नेड़े है। ठीक है जी। ते भाई केहर सिंह अपने पिता जी दे बारे कुछ दसो। मेरे पिता जी शहीद बाबा केहर सिंह जी दी मुढ़ली सिक्ख्या बसी पठाना सरकारी हाई स्कूल विखे हुई। उस तों बाद उह दिल्ली आए अते उह डायरैक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल दे दफ्तर दे विच काम करदे सन। मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दे विच ऑफिसर सी। 1984 विच जदों साडे पिता जी नूं फांसी हुई, जदों उन्हां दे केस बणिया, उन्हां ने सारे परिवार नूं सानूं तंग गवर्नमेंट ने तंग करना शुरू कर दिता। मैनू 2 मई नूं अरैसट करके तिहाड़ जेल विच बंद करता पूरे 1 साल वास्ते। लेकिन उदों तक साढ़े वकीलों का इंतजाम हो गया सी। सब तो पहला P.N. ग्रोवर वकील ने साडा केस लिया। उस वक्त कोई भी वकील सिखां दे के इहे जे केस लैण नूं तैयार नहीं सी। जदों जिन्ने देर मैं जेल च रहा उन्नी देर सैशन च केस चलता रहा और उन्हां नूं फांसी का हुक्म सुनाया गया। कि जिस तरह के 31 अक्तूबर नूं भाई बेअंत सिंह अते सतवंत सिंह ने उन्हां नूं सोधिया गया इंदिरा गांधी नूं, उन्हां दा ते एक नाम शरेआम रिलेटड हो गया कि इन्हां ने उसने गोलियां मारियां हन, उसनूं सोधिया है, पर किस तरह भाई केहर सिंह जी दा नाम इस दे विच किस तरह दर्ज हुंदा है? इस दे विच कोई शक नहीं कि सरदार केहर सिंह जी ने पहला भाई बेअंत सिंह जी नूं जो कि साढ़े मामा जी का लड़का सी उसनूं तैयार किया। उस तो बाद कई बंदियां नूं तैयार किया, कई कुछ मंगदे सी, कोई कुछ कहिंदा सी, कोई कुछ कहिंदा सी, लेकिन बाद भाई सतवंत सिंह ए मोने सी। पर मेरे पिता जी नहीं मन्ने, कहिंदे मोने नूं नहीं असीं रखणा, पर उहनूं मोने नूं तैयार किया गया, उहनूं अमृत छकाउण दा इंतजाम किया गया, सारा कुछ किया गया। जदों सिख बण गए तां उहनां ने उन्हां नूं नाल अपने जोड़िया भाई बेअंत सिंह ने और फिर यह काम हो गया। कि जदों उन्हां नूं बाद सतवंत सिंह तो जो तो मौके दे उत्ते फड़े गए सन ते भाई केहर सिंह जी नूं बाद दे विच फड़िया गया जां उसे टाइम उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया? उन्हां नूं बाद च फड़िया गया। पहलां बिमल खालसा दी बेअंत सिंह दी वाइफ दा इंटरोगेशन होया, उन्हां ने साडे फादर दा नाम दस्सिया वी इदां इदां सारे साडे रिश्तेदार यही आउंदे जांदे सी साडे, उन्हां ने फिर रिश्तेदारां नूं चुक लिया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੋਏ ਛੱਡਿਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
पिता जी तो इतने ही टॉर्चर सेंटर के बीच ही सी बाद कौम दे वालों कोई मान सम्मान नहीं कोई मान सम्मान नहीं होया कौम वालों बल्कि क्योंकि असी छोटी कास्ट के नाल बिलोंग करते हैं साढ़े नाल ओयो सलूक होया जिहड़ा छोटिया कास्टा के नाल हुंदा है कहिंदे ने भी सिखां दी कोई जात नहीं है सिखां दी इही जी इक कौम है जिहदे विच सब तो ज़्यादा जातां ने मैं कहना चाहुंदा कि सतवंत सिंह दा तां गुरद्वारा इन्ना वड्डा गुरद्वारा बना दिता उस नूं श्रोमणी कमेटी ने जदों उसदी शहीदी हुई 30 एकड़ जमीन मैनूं पता लग्या भी उस वक्त दित्ती गई उस तों बाद फिर जदों उसदी सिंघणी शहीद हुई 30 एकड़ होर दित्ती गई उन्हां नूं 60 एकड़ जमीन श्रोमणी कमेटी वल्लों दित्ती गई पर साडे नाल मेरा बेटा एक पढ़िया लिखिया है वह पंजाब दे विच उहनूं बंदा सिंह बहादुर पॉलीटैक्निक दे विच लगाया गया उन्हें 6000 तनखा ते लगाया गया वह ग्रेजुएट है फिर भी उन्हें 6000 तनखा ते लगाया गया हाँ मेरे बेटे की धर्म पत्नी भी 2 साल हो गए ने जहेदार मक्कड़ वालों अपॉइंट करने के ऑर्डर भी किए गए ने लेकिन उत्थे दे प्रिंसीपल इदा दे ने क्योंकि उन्होंने पता है कि असी इस कास्ट नूं बिलोंग करते हैं और शहीद परिवार नूं बिलोंग करते हैं जेडे उत्थे इन्होंने प्रिंसीपल रखे हुए ने उही इन्हां दी नहीं सुनते अज तक उस नूं ज्वाइन नहीं करवाया गया मैं भी मेरे बारे भी क्योंकि अगर राम जेठमलानी ना होंगे राम जेठमलानी ने मैं अपने पुत्तां दी तरह अपने नाल रख्या 1986 तो लैके 2000 तक उन्होंने मैं अपने नाल रख्या जदों 96 दे विच मिनिस्टर बने उन्होंने मैं पूछया बेटा अज तू की हुंदा मैं कहा मैं अज डिप्टी सैकटरी हुंदा तां उन्होंने मैं डिप्टी सैकटरी के रैंक के विच अपने नाल प्राइवेट सैकटरी रख्या अगर अज जेठमलानी ना होंदे मैं तो सड़कों पर रुलदा फिरदा हुंदा कौम ने सानू सड़कों पर रुला देना सी बेअंत सिंह भी कोई नहीं पुछदा साडे फादर नूं भी कोई नहीं पुछदा कल्ले सतवंत सिंह नूं ही हाईलाइट किया जा रहा है अंत में जो भी सिख चैनल संगतां वेख रहे उन्हां नूं की कहना चाहुंदे हो उन्हां नूं मैं की कहना चाहवांगा क्योंकि मेरे कोई घर नहीं कोई दर नहीं मैं गुरुद्वारे दे विच रह रहे हैं मोती बाग कोई मेरे को घर नहीं है ये भी इन मैं जेठमलानी कोल सी मैं 30-35 हज़ार कमाउंदा सी मैं बाई चांस किसी लीडर दे घर मैं ना नहीं लेना चाहुंदा मैं उहदे चले गया वह कहिंदा तुसीं इधर आ जाओ तुहानूं MLA बनावांगे तुहानूं ये करांगे वो करांगे किसी ने कुछ नहीं करिया मैनूं अज भी 10 हज़ार रुपया तनखा दे रहे ने काम मैं इन्ना करदा जो कि कह रहे हैं कि साडे पिता जी जिन्हां ने कि शहीद भाई सतवंत सिंह शहीद भाई बेअंत सिंह जी नूं इस जो कौम की एक लत्थी हुई पग नूं चुकण वास्ते इन्हां सिंघां नूं तैयार किया अते उन्होंने तैयार किए हुए सिंघां ने इंदिरा गांधी नूं सोधिया अते जो सिख कौम की पग थले डिगी हुई सी उस नूं चक के फिर एक कौम दे सिर दे उपर रखिया सो उन्हां दा अज गिला है कि जिस तरह के बाकी शहीदा सिंघां नूं मान सन्मान मिल रहा है पर उह जिहा मान सन्मान साडे पिता जी नूं नहीं मिलिया ते नाल बेअंत सिंह नूं बेअंत सिंह जी उन्हां दे रिश्तेदार ही सन सो अज लोड़ है सानू उन्हां दे गल दे उत्ते पहरा देन दे के असी जिस तरह के बाकी शहीदां सिंघां दे मान सन्मान करते हाँ कि उन्हां दे उत्ते वी माण करिए शहीद भाई केहर सिंह एक बहुत उगा नाम है बहुत थाई नाम लिया भी जाता है पर जो उन्हां दे अज घर दे आर्थिक हालात उन्हां दा शहीद भाई केहर सिंह जी का एक पोतरा जो कि 6000 रुपए की नौकरी कर रहा है जो कि एक बहुत पढ़िया लिखा सूझवान नौजवान है अते आप ओ दिल्ली दे विच रह के 10000 रुपए उत्ते नौकरी कर रहे हैं सो समूह साध संगत नूं बेनती है कि इस गल वल जरूर ध्यान दईए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह